सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गिरे एक झलक। आज हम देखेंगे कि कैसे पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में गिरावट आई है और इसके पीछे के कारण क्या है। पिछले 5 दिनों से इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। यह गिरावट कई फैक्टर्स के कारण हुई है, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन डेटा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स शामिल हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। ये गिरावट सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि लगातार गिरावट का सिलसिला है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। इन्वेस्टर्स के मन में अनिश्चितता का माहौल है। बहुत से निवेशक अपने पोर्टफोलियोस को लेकर चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। विभिन्न कारणों से बाजार पर दबाव बना हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, राइजिंग इन्फ्लेशन और कुछ कंपनीज के डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स रिपोर्ट्स ने बाजार को नीचे खींच लिया है। आइए समझते हैं इन कारणों को। पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। दूसरा कारण है राइजिंग इन्फ्लेशन, जो कि कंज्यूमर स्पेंडिंग को प्रभावित कर रहा है। तीसरा कारण है कुछ बड़ी कंपनीज के डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स रिपोर्ट्स, जो इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को हिला रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट कुछ समय तक और जारी रह सकती है। इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इस समय निवेशकों को अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करने की सलाह दी जा रही है। ये समय है अपने फाइनेंशियल गोल्स को दोबारा इवैल्यूएट करने का और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का। हालांकि हर गिरावट के बाद एक रिकवरी भी होती है। यह जरूरी है कि इन्वेस्टर्स अपने डिसीजंस को सोच समाझ कर लें और पैनिक सेलिंग से बचें। मार्केट में गिरावट के बाद एक समय आता है जब मार्केट वापस ऊपर उठता है। आशा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टर्स को फिर से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तब तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझदारी से मैनेज करना ही सबसे बेहतर रहेगा। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। डॉलर का दबदबा, एफपीआई बेच रहे हैं शेयर्स। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी कमजोर होता जा रहा है। इससे विदेशी निवेशक एफपीआई इंडियन बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। जब एफपीआई शेयर्स बेचते हैं तो बाजार में गिरावट आती है। ये एक प्रमुख कारण है मौजूदा गिरावट का। महंगाई की मार, आरबीआई और ब्याज दरों का खेल। देश में महंगाई दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। इसे निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब पर असर पड़ा है और ये सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं है। बढ़ती ब्याज दरों से कंपनीज के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता है और शेयर बाजार में गिरावट आती है। छोटी बिजनेसेस भी इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके लिए भी कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। आम घर के खर्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोग अपने खर्चों को काटने पर मजबूर हो जाते हैं। आरबीआई का ये कदम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए होता है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति और बिजनेस पर पड़ता है। यह एक कठिन संतुलन है जो आरबीआई को बनाए रखना पड़ता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से लोग अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी लोगों को सलाह देते हैं कि कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस स्थिति में बेहतर मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे जब महंगाई नियंत्रित होती है तो शेयर बाजार और बिजनेसेस में भी सुधार देखने को मिलता है। आरबीआई का ये खेल एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक प्रयास है, जिसमें सभी का योगदान जरूरी है। रूपी कमजोर, चिंता बाधी। रूपी में गिरावट का असर आयात पर पड़ता है। भारत कच्चा तेल जैसे कई उत्पादों का आयात करता है। कमजोर रूपी से आयात महंगा हो जाता है, जिसे महंगाई और बाध सकती है। यह चिंता का विषय है और बाजार में गिरावट का एक कारण है। ग्लोबल टेंशन का असर मार्केट में हुलचुल। आज हम देखेंगे कैसे विश्व व्यापार और राजनीतिक स्थिति का प्रभाव इंडियन बाजार पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई घटनाओं का असर इंडियन बाजार पर पड़ रहा है। विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप के बाजारों में गिरावट और एशिया के कई देशों में व्यापारिक तनाव का प्रभाव हमारे बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है। फेडरल रिजर्व की फैसलों से निवेशक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध ने तेल और गैस के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ये अनिश्चितता इंडियन बाजार में भी दिखाई दे रही है। हमारे निवेशक भी इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं, जिसे बाजार में गिरावट और असुरक्षा का माहौल बन गया है। निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं और शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे समय में निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स और सेफ हेवन एसेट्स में निवेश। ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये स्थिति कैसे बदलती है और क्या नई चुनौतियां सामने आती हैं।